All right guys, welcome back to another episode of Motel Manager Simulator. तो guys यार last episode में तुम लोगों को याद होगा कि अपन लोगों ने भाई यहाँ पर ना बस पार्किंग का एरिया अनलॉक कर दिया था जहाँ पे बस वाले कस्टमर्स भी आते हैं अभी एंड यहाँ पर अपन ने भाई इसको अपग्रेड किया था और टेलीफोन यहाँ पे और भी काफी सारे लगा दिए थे जिसके अंदर हमारी जो है यहाँ पर अर्निंग होती रहती है इसमें जीरो है इसमें भाई $452 है और इसमें भाई $927 है। भाई गाइज यहाँ पे हमारी शॉप का जो है पूरे 5 स्टार हो चुके हैं और हमारी शॉप को भी अपन ने अपग्रेड किया था एंड अभी यहाँ पे देख लेता हूँ तो यहाँ पे भाई $3,900 हो चुके हैं जिसको मैं इकट्ठे कर रहा हूँ अभी एंड मेरे पास अभी भाई $14,000 हो चुके हैं गाइज एंड यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो भाई मेरे जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे 2600 हो चुके हैं इस जगह पे और यहाँ पे अगर देखे तो 1800 हो चुके हैं यहाँ पे अगर देखे तो $1,000 हो चुके हैं। तो गाइज अभी ना हमारा जो मोटेल है ना गाइज वो एक नंबर का चल रहा है ठीक है। बाकी गाइज तुम लोग को याद होगा कि यहाँ पे जो है ना अपन ने एक और रूम अनलॉक कर दिया था जो कि मैंने ऑफलाइन जो है यहाँ पे पूरा काम कर दिया इसके अंदर एंड तुम लोग को एक बार इसकी झलक दिखाता हूँ। तो गाइज यार ये वाला रूम आके तुम लोग को कैसा लग रहा है लेट मी नो इन द कमेंट्स। भाई बहुत ही मेहनत लगी इसमें, लाइक मेहनत तो क्या बट यार सेम चीजें मैंने करी बट काफी सही बना दिया इस वाले रूम को भी मैंने पहले की तरह एंड तुम्हें याद होगा लास्ट एपिसोड में अपन ने ये वाला रूम को जो है पूरा कस्टमाइज किया था ये भी काफी प्यारा लग रहा था लेकिन अभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है हमारे इस वाले रूम से जनरेट होता है। तो अभी मोटेल ओपन करेंगे और इन वाले रूम्स को भी जो अपन देने वाले हैं भाई कि आओ रहो यहाँ पर और पैसे देके जाओ। बाकी गाइज ये रूम मैंने ऑफलाइन खरीदा था बट मैंने इसको जो है अभी कुछ भी नहीं किया इसके अंदर बट आज अपन इसके अंदर सारा काम करने वाले। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे आइटम जो है यहाँ पर ट्रक में मंगवा दिए हैं और हमारा सारा सारा सामान जो इस ट्रक के अंदर भरा पड़ा है तो देख ही सकते हो यहाँ पे पूरा सामान एकदम लोड करवा रखा भाई सारा सारा जो एकदम खतरनाक वाला बोनस जिससे मिलता है ना भाई वो वाला आइटम मंगाया मैंने यहाँ पे। इनका ही अगर तुम वेयर हाउस देखोगे तो यहाँ पर अभी लिटरली सब कुछ पूरा एकदम भरा हुआ है यहाँ पर शॉप के आइटम्स हैं। मैंने वेयर हाउस के लिए ना मेरे को आज एक वर्कर भी हायर करना है भाई आज लिटरली बता रहा हूँ गाइस बहुत मजा आने वाला है बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि आज मैक्स हो जाएंगी लेकिन मोटेल नहीं होगा क्योंकि मोटेल का थोड़ा खर्चा बैठता है ज़्यादा ही एंड इसकी जो रेटिंग है ना गाइस मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा बाद में जब मैंने प्राइस एकदम हाई कर रखा था ठीक है यहाँ पे तो मैंने बाद में लो कर दिया वैसे तो बट यहाँ पे ना देखो जितना ज़्यादा हाई प्राइस तुम रखोगे ना तुम्हारी मोटेल की जो पॉपुलैरिटी है ना उतनी ही धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ये पता है यहाँ पर सेंटर में एकदम को रखा था फिर बाद में मैंने इसका प्राइस एकदम लो कर दिया लाइक जिससे कि ना थोड़ा सा ज्यादा चांसेस हो जाए पॉपुलैरिटी बढ़ने का। तो अभी जो है थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके बढ़ने लग रही है वाली पॉपुलैरिटी तो जल्दी ये भी 5 स्टार हो जाएगा। शॉप प्रोडक्ट्स तो भाई एकदम खतरनाक चल रहा है भाई शॉप का काम तुम्हारा। बाकी गाइस यहाँ पे हमारे पास स्टाफ है और इसको मैं जरा वेयर हाउस के लिए रख देता हूँ सो दैट ये हमारा जो शॉप है ना उसके अंदर सामान भरता रहेगा। और अभी जो हम ये पता है दो काम करता है वेयर हाउस वाला वैसे एक तो जो है इस ट्रक के अंदर सारा सामान निकालता है और इसके अंदर वेयर हाउस के अंदर भर देता है। ये मेरे को वेयर हाउस भी अपग्रेड करना है मेरे को शॉप भी अपग्रेड करनी है मेरे को लिटरली आज बहुत सारी चीज अपग्रेड करनी है और मेरे को ना पे फोन वाला जो है ना गाइस ये देखो गाइस यहाँ पे बस आ चुकी है जिससे ना अभी बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर्स निकलेंगे देखना ये देखो एक तो निकल चुका है और भी अबे एक दो ही लेकर आया क्या और भी तो निकाल भाई अबे एक ही निकाल के गया भाई नहीं तो कभी कभार क्या होता है ना यहाँ पे भाई बहुत सारे कस्टमर्स एक बार में निकल के आते हैं भसड़ मच जाती है भाई शॉप के लिए आते हैं सारे के सारे और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो गई है इसकी वजह से मैं क्लीनिंग कर देता हूँ। आज मेरे को ना थोड़ा सा स्टाफ रूम भी इंक्रीज़ करना बिकॉज आई मीन अपग्रेड करना उसको क्योंकि भाई मेरे को ना आज बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स भी हायर करने हैं मेरे को भाई एकदम इसको ऑटोमेट करना है अभी ठीक है जिससे कि मेरे को ज़्यादा काम ना करना पड़े जैसे काम बहुत सारा करना पड़ता है इसके अंदर बट ऐसा कर दूंगा कि साला मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके आई थिंक सब कुछ अभी मैंने क्लीन कर दिया इधर एंड यहाँ से ज़रा सारा सामान निकाल लेते हैं। अरे ले भाई यहाँ पर ट्रैश बैग भी गिर चुका है एक बार देख लेता हूँ। ये देखो भाई पूरा कूड़ा वूड़ा गिरा के जा रहे हैं यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर मैंने सब कुछ क्लीन तो कर दिया लेकिन अभी भी पता नहीं कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है वहाँ पर क्लीन हुआ नहीं है। मैंने क्लीन तो कर दिया है बट ठीक है इसको फेंक देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड गाइस अगर तुम अभी देखोगे तो भाई हमारे गैस स्टेशन पे भाई यहाँ पर 8 गाड़ियाँ खड़ी हुई है लिटरली वो एक वर्कर यहाँ पर सारा काम नहीं कर पा रही है। मेरे को भाई यहाँ पे भी ना एक दो वर्कर और लगाने पड़ेंगे काम के लिए ताकि थोड़ा और जल्दी काम हो सके। भाई बहुत मज़ा आने वाला है आज लिटरली बहुत सारे अपग्रेड्स होने वाले हैं तो डिलीवरी वाला काम तो आई थिंक शायद से वो खुद कर देगा मेरे हिसाब से डिलीवरी वाला। हाँ वो देखो अभी देखो तुम लोग को दिखा देता हूँ एक बार तो देखो गाइस हमारा जो वर्कर है ये बाहर आएगा ठीक है लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही आइटम लेके जाता है तो एक एक करके जो है सारा कुछ यहाँ पे भर देगा। मेरे को वेयर हाउस पर अपग्रेड करना बिकॉज इसमें मेरे को बहुत सारे आइटम रखने हैं और मेरे को किसी ने कमेंट करके कहा था कि भाई प्यार भाई ये जो बड़े वाले शेल्फ है इसमें ज़्यादा सामान आता है तो भाई नहीं यार इसमें ज़्यादा सामान नहीं आता है ये आई थिंक सबसे ज़्यादा सामान इसी के अंदर आता है एक्चुअली में क्योंकि ये ना सेम ही है बस बीच में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है बाकी मेरे को तो सिमिलर ही लगा भाई मेरे को देखा जाए तो ठीक है लाइक थोड़े बहुत ही डब्बे आते हैं भाई उसके ऊपर तो कुछ रख नहीं सकते इसके अंदर तो मेरे को तो भाई ये वाला शेल्फ ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी अगर तुम चाहते हो बड़े वाले शेल्फ रखूँ तो मैं वो भी रख दूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बड़े वाले शेल्फ रख देंगे। बाकी चलो गाइस अभी यहाँ चलते हैं मोटेल को ओपन करता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर ना एक काम करता हूँ अभी मैंने जो प्राइसिंग करी हुई है हमारे इस मोटेल की आई थिंक अभी ठीक है इसको 102 कर देता हूँ मैं
105 अगर करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा सीन, लेकिन 102 रहने देता हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए मेरे को भाई, 142-145 कर देते हैं इसको, एंड आई थिंक इतना बहुत है, इसको सेव कर देते हैं, बाकी स्टाफ में चलते हैं। और यहाँ पर मेरे को गाइस अभी ना बहुत सारे वर्कर आज हायर करने हैं, लेकिन वो करने से पहले मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितने सारे रूम है, और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरा इससे हो रहा है, 154 का जो है रेवेन्यू यहाँ से निकल के आएगा हमारे लिए। देखे बहुत तगड़ा प्रॉफिट है भाई इसमें, मैंने डेस्क टेबल पता नहीं क्या क्या लगा दिया भाई, एकदम खतरनाक रूम बना रखा है। ये रूम नंबर 7 भी अपन तैयार करेंगे अभी, और मेरे को आज ना काफी सारे रूम भी अनलॉक करने हैं। और आज मैं हमारे लिए जो है गाइस यहाँ पर वैन बिग खरीदने वाला हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास खरीदी ली मैंने एक्चुअली, और अगर मेरे पास लास्ट में पैसे बचाना तो मैं ट्रक भी खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे को भाई ट्रक के पैसे नहीं देना एक्स्ट्रा बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखो गाइस यहाँ से भी मैंने पैसा निकाल लिया है भाई, यहाँ पे जब तक तुम लगा के रखोगे इसको तुम्हें पैसे जनरेट होते रहेंगे, मैंने $600 निकाल लिए यहाँ से भी, तुम देख रहे हो भाई मतलब क्या ही खतरनाक चल रहा है। एक काम करता हूँ थोड़ी बहुत ओवर एडवर्टीजमेंट अपन यहाँ पे बाय कर लेते हैं, $100 का है ठीक है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा निकलने वाला है इससे, एक ये खरीद लेते हैं, और एक मेरे को चाहिए $55, $40, $55 वाला, ठीक है। तो भाई अपने को कुछ नहीं करना, अपने को बस वो पोस्टर्स लेकर आने और इनको कहीं ना कहीं चिपका देना है बस, ठीक है। और डेली हमारा जो है यहाँ पे खतरनाक रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, तो मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ, पिक्स अप 5 times मोर देन लैम्बोर्गिनी, अरे भाई साहब ओके। एंड अपन कहीं पे भी लगा सकते हैं, लाइक इनको यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, यू डोंट नीड अ बिग वन टू बी हैप्पी, अच्छा ठीक है, छोटी गाड़ी भी चलेगी भाई। एंड देख सकते हो गाइस अभी एक बार देख लेता हूँ जाके कि यहाँ पे प्रॉपरली मैंने हैंग तो कर दिया ना इसको, सो दैट हमारी थोड़ी ना रेवेन्यू वगैरह भी जनरेट होता रहे इससे। एडवर्टीजमेंट में चलता है, देखो गाइस अभी ना डेली यहाँ पे मेरे को $55 का प्रॉफिट होने वाला है, तो मतलब खतरनाक चलने वाला भाई ये वाला बिजनेस भी हमारा, यहाँ पे बस एडवर्टीजमेंट लगा और तगड़ा प्रॉफिट आता रहेगा अपना। ओके तो भाई इसको चाहिए 72 hours के लिए, इसको रूम चाहिए भाई एक बेड वाला, तो एक काम करता हूँ इसको 5th वाला रूम देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सब 72 आवर्स के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो $441 मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, लेट्स गो, जा भाई तो मौज काट अपनी, ठीक है। ऑलराइट गाइस अभी वेट करते हैं कस्टमर्स का आने का, एंड मेरे को जो है ना भाई एक रुक जाओ एक काम करते हैं अभी सो जाता हूँ मैं जाके, ठीक है। चलो गाइस गुड नाइट, सुबह होने का वेट करते हैं, उसके बाद में अपन अपग्रेड्स करेंगे सारे के सारे, ठीक है। और ले भाई एक मिनट रुक जाओ जरा, लो फ्यूल रिजर्व दिखा रहा है ना, तेल भी मंगा लेते भाई, अरे पैसा बहुत है भाई जान दो भाई, तुम तेल आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा गैस स्टेशन से हो रहा है, उसको अपग्रेड करने के बाद कसम से भाई बहुत पैसा आ रहा है मेरे पास। गाइस यहाँ पर हमारा एक कस्टमर आई हुई है, हमारी कस्टमर आई हुई है। तो यहाँ पर इसको 2 beds चाहिए है फॉर 12 hours, तो काम करता हूँ ज़रा, यहाँ से सेकेंड वाले नंबर का अपन दे देते हैं, ये लीजिए मैडम जी, एंड ये लीजिए 164, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों साथ में रहने आए हैं भाई, ओके। और भाई तो एक मिनट रुक जाओ ज़रा, हमारे ना शॉप का एक्चुअली क्या हो रहा है कि शॉप के आइटम्स ख़त्म हो चुके हैं, एंड आई थिंक यस, तो इससे ना नेगेटिव जा रही है इसकी रेपुटेशन थोड़ी सी, काम करता हूँ उसको फिलहाल के लिए। देखो $258 गाइस, देख रहे हो अभी, वैसे वेयरहाउस वाला बंदा जो है भाई यहाँ पे सामान लेकर आ रहा है, तो मेरे को अभी और वर्कर हायर करने हैं, तो अपन सबसे पहले स्टाफ रूम अपग्रेड करते हैं, ठीक है। तो चलते गाइस अपन लोग हमारे अपग्रेड्स में, और स्टाफ रूम को यहाँ पे 2000 का मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, लेट्स गो। अगला वाला 3500 का है ब्रो, बहुत एक्सपेंसिव है भाई ये तो। एंड वेयरहाउस को भी थोड़ा अपग्रेड कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, अभी रुक जाओ आराम आराम से करेंगे, पहले जरा ना मैं वर्कर्स का देख लेता हूँ, स्टाफ में चलते हैं। एंड हायरिंग में मैं एक ऑस्टिन को हायर कर लेता हूँ, रैन को भी हायर कर लेता हूँ, सैमी को भी हायर कर लेता हूँ, और ठीक है तो 3 ही अपन हायर कर सकते हैं। और देखो ऐसे रेस्टिंग पे रहेंगे तो पैसे तो लेंगे नहीं भाई किसी बात का भी, ठीक है, तो अपन इनको बस काम पकड़ा सकते हैं जब हमारा मन हो, जब हमारे पास पैसे हो। इसको बोल देता हूँ भाई वेयर हाउस का काम करें, ये भी दोनों, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो अच्छा खासा हमारा काम चल जाएगा, वहाँ पे सारा सामान रख देंगे अच्छे से। एंड इसको मैं जरा बोलता हूँ गैस स्टेशन संभाले ये, लेकिन मेरे को पता क्या लग रहा है, अभी ना रुक जाओ अभी गैस स्टेशन पर रहने देता हूँ इसको, बिकॉज अभी इतनी सारी गाड़ियाँ आने रखी है, इसको रेस्टिंग पर रहने देता हूँ। एंड एक क्लीनिंग का भी है क्या, क्लीनिंग का, हाँ मेरे को क्लीनिंग के लिए चाहिए अभी, स्टाफ में चलते हैं। दो वेयरहाउस संभाल रहे हैं और एक मैं क्लीनिंग के लिए रख देता हूँ, सैमी को भी रेस्टिंग पे रहने देता हूँ, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ में तो इसको मैं भेज दूंगा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ऐसे रहने देता हूँ। लाइक इसको मैं या तो हाउसकीपिंग का बोल दूंगा या फिर क्लीनिंग का काम करता रहेगा, लाइक क्लीनिंग का तो एक रख दिया है मैंने वैसे रैन को। ओके तो गाइज अभी जो है हमारा यहाँ पे काफ़ी तगड़ा काम होने वाला है, देख सकते हो ये अपना जा रहा है यहाँ पे कूड़ा उठा रहा है। अरे मैडम चाहिए, हाँ जी मैडम जी बताइए, आपको एक रूम चाहिए विद 1 bed 36 hours के लिए, ठीक है जी, तो 36 hours के लिए चाहिए है भाई, लेट मी चेक 246, तो एक काम करता हूँ थ्री वाला रूम दे देता हूँ, ये लीजिए मैडम जी, एंड $226 सिर्फ। ये पता है एक चीज़ मेरे को बेकार लगती है कि ना अपन यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकते एक बार, तो सीधा ना मेरे को यहाँ पे पेमेंट लेनी पड़ती है भाई, मैं अगर चाहूँ तो रूम भी चेंज कर सकता हूँ ना भाई, मेरी मर्जी, अगर रियल लाइफ होती तो मैं मर्जी से तो भाई मैं कोई और रूम पकड़ा देता,
ठीक है भाई, हो गया श्योर। ठीक है भाई, हाँ जी मैडम जी, जल्दी आ जाओ। अरे वहाँ क्या खड़े हो आप ये हैं? ओहो अच्छो जी, ओके ठीक है, आपको 2 बेड चाहिए फॉर 36 आवर्स। ऑल राइट, ठीक है, तो अपन एकदम एक्सपेंसिव वाला रूम देने वाले इनको। एंड लेट्स गो गाइस। साढ़ा एक सेकंड भाई, अच्छा 36 आवर्स सिर्फ, ठीक है। $371, मेरे को पैसे कम लग रहा है थोड़ा सा। एंड ये एक सेकेंड, ये मैडम जी ठीक है, ओके 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 जी ठीक है भाई। और गाइस यार, मैंने आई थिंक तुम लोग को दिखाई रखा है, रुक जाओ। अरे मतलब एक बार रूम बुक करने के बाद में अपन अंदर नहीं जा सकते ना, ऐसा सीन है। लाइक मैं एंटर ही नहीं कर पा रहा भाई इसके अंदर अभी। ठीक है भाई, कोई नहीं, इट्स ओके। कस्टमर एट शॉप एंड फ्यूल आ रहे हैं, रुक जाओ जरा। 2 वर्कर मैंने जो लगा रखे हैं, काम अच्छा खासा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई? ये क्या कर रहा है भाई, खड़ा क्यों है तू यहाँ पे? ओ भाई, हाँ भाई, खड़ा क्यों है, काम करना साले। अबे इसको, ये दोनों क्या करना क्या चाह रहे भाई? ये लोग एक काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, पर फाइनली आई थिंक गाइस ये लोग सामान वगैरह रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, हमारा काम हो जाएगा। एक काम करता हूँ जरा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना मैंने गलती कर दी है सब कुछ करके, साला ऑल प्रोडक्ट कर देता हूँ, जिससे कि जितना ज़्यादा सामान रहेगा भाई, जिसको जो खरीदना रहेगा वो खरीद लेगा यहाँ पर भाई। ठीक है, इसको मैं ऑल प्रोडक्ट कर देता हूँ वापस से। एंड जब हमारी एकदम अपग्रेड हो जाएगी ना, फुल मैक्स हो जाएगी, उसके बाद करूँगा इसको चेंज में, ठीक है। तब अपन एक एक लाइक पूरा सेट कर देंगे अच्छे से। अभी फिलहाल इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं यहाँ पे, इस वजह से मैं ऑल प्रोडक्ट्स रखूंगा अभी फिलहाल, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव, इसका काम हो चुका है। एंड यहाँ पे तो मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे थे, इधर भी नहीं किया, ठीक है। चलो गाइस, अभी जरा मेरे को थोड़ा बहुत अपग्रेड और करना है इसको। और एक मिनट रुक जाओ, हमारे कस्टमर आई हुई है, इनसे ही बोल दे। अरे सॉरी, कस्टमर आया हुआ है भाई, तो एक बार जरा मैं रूम चेक कर लेता हूँ। हमारे पास 1 और 4 बचा हुआ है, मतलब एक सिंगल बेड का और 2 डबल बेड वाले पर। 96 आवर्स गाइस, बहुत प्रॉफिट होगा इसमें तो। ये ले भाई तो फटाफट से। एंड $678 गाइस, लेट्स गो। $16,000 हमारे पास अभी हो चुके हैं भाई, तुम देख रहे हो। पैसा ही पैसा बोलते। अरे जल्दी आ जा भाई, टाइम खोटी ना कर, जल्दी आ। सिंगल बेड है तो पहले बताता हूँ। अरे भाई सब बहुत बढ़िया, लेकिन पहले वाले में इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं, तो इतना प्रॉफिट होगा नहीं। $389 ठीक ठाक है, कोई बुरी बात नहीं है भाई। अभी मोटेल बंद कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट वाला रूम जो है अभी हमारा सेट नहीं हो रखा है बिल्कुल भी, उसको सेट करना पड़ेगा। बाकी मैनेजमेंट में प्राइसिंग का आई थिंक अभी फिलहाल के लिए सब ठीक ठाक है, प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाएगा वहाँ से। एंड इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दूँ क्या मैं, 1.53 कर दूँ? लेट्स गो, थोड़ा धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा भी प्रॉफिट होता रहे भाई यहाँ पर। ओके सो गाइस, सर अभी ना अपन जो है यहाँ पे थोड़े बहुत अपग्रेड्स करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं पार्किंग लॉट का कर देता हूँ यहाँ पे। $200 का है, 250 का है, ठीक है, और आई थिंक इतना बहुत है। उसके बाद हम लोग करने वाले शॉप पार्क का भी, नहीं शॉप पार्क आई थिंक इतना बहुत है फिलहाल के लिए। और अपन जो है शॉप अपग्रेड करने वाले थोड़ी सी, इसके लिए मेरे को भी शेल्फ मंगाने बहुत सारे, ठीक है। लेकिन 1500 का पड़ेगा भाई, वेयर हाउस का 750 का पड़ेगा, ठीक है। वेयर हाउस का पहले कर लेते हैं, और अपने को क्या क्या चाहिए भाई, पावर रूम भी करना है, फ्यूल स्टोरेज भी करना है। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं चेक कर लेता हूँ कितने ज़्यादा स्पेस आई है। अरे ये लोग क्यों आ रहे हैं, इसको देख 96 आवर्स के लिए अब आ रही है, पहले नहीं आई। अब नहीं है भाई, कमरे खाली नहीं है, अब निकलो अभी फटाफट से, निकलो मैडम जी निकलो अभी, गोली वालो समझ गए एकदम। ओके तो गाइज अभी जरा थोड़ी बहुत रेटिंग तो यार देख रहे हो, रेटिंग ऐसा लग रहा है स्टक हो रखी है भाई, जैसे कि था ना यार क्या सीन है मोटेल पे भाई। लिटरली इतने कमरे दे चुका हूँ, उसके बाद भी रेटिंग बढ़ नहीं रही है भाई। स्टार्टिंग में तो इतना खतरनाक बूस्ट मिला था, आई थिंक मेरे को शायद से बहुत सारे रूम अनलॉक करने पड़ेंगे, उसके बाद में शायद से पूरी 5 स्टार हो पाएगी ये, है ना। तो एक काम करते हैं भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने जो अभी हमारा वेयर हाउस इंक्रीज किया है, थोड़ा सा अपग्रेड किया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस आ चुका है, बहुत सारा स्पेस आ गया एक्चुअली। तो ये जितने भी सेल्फ्स हैं ना यहाँ पे, इनको पहले अपन जरा थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं अच्छे से इनको भाई यहाँ पे सेट, ठीक है यहाँ पे। और अरे एक काम करते हैं, कॉर्नर शुरू करते हैं भाई, या फिर ऐसे करूँ इसको मैं, ठीक है ऐसे करूँ, ऐसे सही रहेगा क्या? लेट्स सी, इसको जरा थोड़ा देखते हैं कैसे सही रहेगा भाई। थोड़ा सा स्पेस देने वाला हूँ सो दैट सामान रख सके अच्छे से। उसके बाद इसको अपन रखेंगे यहाँ पर, एंड देन बाकियों को भी मैं इस तरह से अटैच कर दूंगा भाई पीछे की तरफ, साथ में अटैच हो जाए, या अटैच नहीं होते एक तो साथ में भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये हो गया ठीक है भाई, उसके बाद अपन बाकी के सेल्फ लेंगे। एंड थोड़ा सा यहाँ पे और बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ने वाला हूँ मैं, ठीक है गाइस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना ज़रूरी है भाई बीच में, एंड आई थिंक इट्स गुड, ठीक है ना, इतना तो बहुत है मेरे हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई। या फिर एकदम रुक जाओ, या तो एकदम लास्ट में स्पेस छोड़ देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो बराबर ही से रख पाऊँगा सारी चीज़ें मैं, ठीक है। यहाँ से सामान निकाल लेंगे जो भी चाहिए रहेगा अपने को। एंड जो वॉशिंग मशीन है ये वाली, इनको जरा मैं एक सेकेंड रुकूँ, जब प्लग में कनेक्ट, प्लग कहाँ है इसका, एक सेकंड गाइस प्लग, अरे भाई ना भाई इनका प्लग निकाल दिया यहाँ पर। एंड इनको जरा थोड़ा दोबारा से अटैच कर देता हूँ अच्छे से इस जगह पे, इसको -90 कर देते हैं, इसको भी -90 कर देते हैं, और इस वाले सॉकेट को मैं जरा यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे इनको प्लग करके कनेक्ट कर देंगे अपन अच्छे से, लेट्स गो। एंड यहाँ पे दोनों मशीनें अभी हमारी काम करेगी। तो देखो यहाँ पे ना अपने को लाइक 1.5 मिनट में ही जो है तुम लोग यहाँ पे पूरा सारा काम जो है लाइक बहुत सारे कपड़े एक बार में तुम लाइक धो सकते हो यहाँ पे, विच इज रियली नाइस। 1.5 मिनट में पूरा काम हो जाता है भाई हमारा। ऑल राइट, तो गाइस यार अभी जो है अपन वेयर हाउस अपग्रेड कर दिया, शॉप भी मैंने करी थी ना, शॉप करी थी कि नहीं करी अभी मैंने, करी तो थी शायद से एक बार उधर, अरे शॉप नहीं करी अभी मैंने, ठीक है कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके। अभी शॉप भी अपग्रेड करेंगे अपन थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद में वो एक सेकंड देख रहे हो तुम, इन लोगों ने सालों ने पूरी सैलरी काट ली भाई अपनी, और उन लोगों ने भाई सारा सामान भी रख दिया। एक सेकंड रुक दो जरा, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ट्रक को भी भिजवा देता हूँ, फिनिश डिलीवरी करते हैं यहाँ पर। एंड ये वाले शेल्फ्स बचे हुए जरा इनको भी मैं रख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ जरा, थोड़ा सा अच्छे से रख देंगे भाई। यू आर बींग रोब्ड वेयर हाउस, एक सेकंड रुक जाओ भाई, वेयर हाउस में बैठा हूँ, सारे चोर की ऐसे की तैसी। कहाँ पर है बता मेरे को, कहाँ पर है चोर, आ तू आ साढ़े आ, रुक तेरी ऐसे की तैसे रुक तू, किधर जा रहा है, अरे उधर से भाई पतली गली से निकल के जा रहा है। ओए गेम बग हो गया भाई, अरे गेम बग हो गया, एक सेकंड, ओए एक सेकंड गाइस, गेम बग हो गया भाई, अरे इसको जरा सेव करने दो भाई, एक सेकंड गेम बग हो गया भाई। टैब दबाने के बाद वो क्लिक ही नहीं कर रहा, रुक जाओ गाइस, पता नहीं क्या सीन है भाई इसके अंदर ये वाला, आई होप वो भागे ना बस चोर। रुक जो तेरी भैंस के साढ़े भाग के कहाँ जा रहा है, रुक तेरे ऐसे के तैसे साले, भाग के जाएगा चोरी करेगा तो मेरे होते हुए यहाँ पर है, एक सेकंड रुक जाओ, अरे इसमें तो थोड़ा सा सीन हो रखा है गाइस, ऑफलाइन बहुत सीन होता है भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, इसको ठिकाने लगा देते हैं अभी और इसका भी काम कर देते हैं, लेट्स गो। सारा सामान ले, भाई कितना सारा सामान लेके जा रहा था एक बार में ये बंदा, डैम भाई। चलो गाइस इसको तो पिघला दिया मैंने अभी वहाँ डाल के। सारा सामान यहाँ पर लोड कर देता हूँ, देख रहे हो यहाँ ज़्यादा सामान आ जाता है भाई उसमें, मेरे देखो उसमें ना इतनी स्पेस नहीं मिलती है तो ज़्यादा सामान नहीं आ पाता भाई उसमें, लेकिन मेरे को तो यही ज़्यादा बढ़िया लगा वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है। और कुछ बचाएगा यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ जरा, इनको भी रख देते हैं अच्छे से जमा के, आराम से अच्छे से रख देंगे भाई, अरे रख देना भाई क्या कर रहा है भाई, इसको यहाँ रख देते हैं एंड इसको भी निकाल लेते हैं, इसको यहाँ रख देंगे। ऑल राइट, तो अभी यहाँ से क्या है ना अपन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, तो चलो गाइस इधर का तो हमारा काम हो चुका है, रात भी हो गई भाई काम करते करते, अभी चलते हैं सोने के लिए। हाँ जी चेकआउट के लिए आए हो, ठीक है मैडम जी, थैंक यू सो मच। एंड एक काम करता हूँ जरा वेयर हाउस में, एक मिनट जाओ, वेयर हाउस वाले को मैं बोल देता हूँ हाउस कीपिंग का काम करे तब तक ये, सो दैट यहाँ पे ना क्लीनिंग वगैरह करता रहेगा ये सब कुछ। और एक बंदे को मैं बोल देता हूँ क्लीनिंग का संभाल ले जरा यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ, स्टाफ में चलते हैं, इसको बोल देते हैं क्लीनिंग कर देगा भाई ये, तो एक बंदा सारा सामान संभालेगा। एक क्लीनिंग हो रखी है वैसे ऑलरेडी, एक सेकंड गंदगी हो नहीं रखी है इतनी ज़्यादा, तो क्लीनिंग, अच्छा मैंने क्लीनिंग का ऑलरेडी दिया हुआ है किसी को, ओके माय बैड, ठीक है। हाउस कीपिंग का काम संभाल लेंगे गाइस अभी ये लोग, और मैं जरा चलता हूँ सोने के लिए, अभी करते हैं भाई आराम, ठीक है अभी आराम से सोएंगे यहाँ पर। सो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड भाई हमारे गैस स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी है आजकल अभी, ठीक है। और मैं एडवर्टीजमेंट चलाने की सोच रहा हूँ भाई, तुम सोचो एक बार एडवर्टीजमेंट अगर मैंने चला दी तो क्या ही सीन हो जाएगा यहाँ पर, बहुत खतरनाक जो है यहाँ पे बूस्ट मिलेगा अपने को। और पुलिस वाले आ चुके हैं, आई होप इन लोगों को कुछ मिले ना बस यहाँ पे। और एक बार मैं घर वगैरह भी चेक कर लेता हूँ, साला यहाँ पे बॉडी वॉडी तो नहीं है ना किसी की, अभी मैडम जी गई थी वैसे तो वो सही सलामत निकली थी, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। चलो ये भी ओपन नहीं हो रहा अभी, तो सारे के सारे अंदर बैठे हुए भाई। हाँ जी सर जी बताइए क्या हुआ, आपको मिला कुछ, नहीं मिला ना, चलो अभी निकलो, निकल लो अभी, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे तुमको, ठिकाने लगा दिए सब अपन ने। ऑलराइट, तो गाइस अभी एक रूम हमारा रेडी हो चुका है, इन लोगों ने क्लीन कर दिया है और यप सारी चीज़ें इन लोगों ने रख दी है फिलहाल के लिए। जरा मैं उसको हटा देता हूँ वापस, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये वेयर हाउस का काम संभाले। देख रहे हो अभी कितना आसान हो गया मेरे लिए काम करना यहाँ पर, बहुत सही हो गया भाई। और अभी मेरे को थोड़ी सी शॉप अपग्रेड करनी है $1500 की, लेट्स गो, कर दी है, ओके भाई सब सीन है भाई। एंड यहाँ पे मोटेल रूम भी थोड़े बहुत अनलॉक कर लूँ क्या मैं, अभी रहने देते बाद में करेंगे। मेरे को ना एक चीज़ करनी है जो कि है पावर रूम मेरे को ऐड करना है भाई, क्योंकि लाइट चले जाती है बीच बीच में, फ्रिज काम नहीं करते यहाँ के, ठीक है। तो अभी बीच में अभी सो रहा था ना तब भी मेरी लाइट चली गई थी, तो काम करते खरीद लेता हूँ भाई। अब तो भाई लाइट का कोई सीन ही नहीं होने वाला आई थिंक, मेरे को जितना लग रहा है। फ्यूल स्टोरेज करेंगे लेकिन अभी नहीं, इसको बाद में करेंगे। बाकी एक पे फोन में लगा देता हूँ $300 का, ठीक है लास्ट बचा हुआ है, ओपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको वैसे पूरा ट्राई करूंगा मैक्स अपग्रेड करने की, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट भी लगा देते हैं, ठीक है फिलहाल के लिए, ताकि थोड़ी और बूस्ट मिल जाए तो अपने पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अपग्रेड कर देते हैं भाई, अभी एडवर्टीजमेंट लग गए यहाँ पे, ठीक है। अभी खतरनाक कस्टमर्स आएंगे भाई, डैम ब्रो एक बार देख कर आते कहाँ पर एडवर्टीजमेंट लगाए जरा, ये इधर तो आई थिंक बाहर की तरफ लगा है ना, यहाँ पे कहीं पे कुछ तो लगा था, एक सेकंड गुजरा, लेट मी चेक भाई। शॉप रेटिंग तो इंक्रीज होती है लेकिन, अच्छा यहाँ पे लगा है प्यार का मोटेल, लेट्स गो बॉयज, नो वैकेंसी। हाँ अभी सारे रूम फुल है, एक रूम खाली है वैसे, उसका भी करवाता हूँ, रुक जाओ जरा। और कस्टमर्स कितने सारे आ रहे हैं भाई यहाँ पे, रुको एक काम करता हूँ गैस स्टेशन का भी उसको काम दे देता हूँ,
एक सेकंड भाई, मेरे पास अभी 15,000 नहीं थे, मैंने अपग्रेड कर करके इतने पैसे खर्च कर दिए अपने हैं भाई, मेरे तो लग जाएंगे ऐसे तो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपन अभी रुक जाओ भाई, अभी मैं कुछ अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है अपन ने सारी चीज़ अपग्रेड कर ली जितनी मेरे को करनी थी, अब रूम अनलॉक करना है और मेरे को रूम का पूरा सेटअप करना है। ठीक है मैंने सारा सामान मंगा रखा है उस वाले रूम का, तो जरा मैं फटाफट चलता हूँ अभी और उस रूम को सेटअप करना शुरू करते हैं, और शॉप के लिए मेरे को अभी शेल्फ्स वगैरह मंगाने हैं। देख रहे हो शॉप्स की, अबे शॉप कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है भाई, देख रहे हो तुम लोग, अभी यहाँ पे बहुत सारे सेल्फ तुम्हारा भाई मंगाएगा और इसको एकदम खतरनाक वाला सेट करेगा। ठीक है तो सबसे पहले गाइस हमें जो है इस वाले रूम का सेटअप करना है। ये रूम आई थिंक थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को शायद से, या काइंड ऑफ, बाकी जरा इसको भी जो है मैं रेड वाला कलर देने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं बहुत प्यारा थीम लगता है ये वाला, तो इसको मैं देने वाला हूँ भाई यही वाला कलर, और ये कर देंगे यहाँ पर, चार ही बचे थे वैसे मेरे पास सिर्फ, इसको भी निकाल लेते हैं भाई, एकदम खतरनाक रूम भाई, एकदम प्रीमियम और लग्जरी लगता है भाई ये वाला रूम इससे तो। भाई ये हो गया इधर, दो इधर बच गए, ठीक है जी आई थिंक ये खत्म हो गया, मेरे को रेड वाले वॉलपेपर मंगाने पड़ेंगे और भी काफी सारे, अभी एक सेकंड रुक जाओ अभी मंगाते हैं भाई, ये हो जाएंगे इधर, पांच बचे हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बाकी एक काम करता हूँ जरा, ये वॉशरूम के लिए है तो ये मैं लगा देता हूँ, जो जो चीजें देखो पहले लगा लेता हूँ, जो कमी होगी मैं वो मंगा लूंगा बाद में। ठीक है इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और इस वाले का वॉशरूम का तो हो गया काम, फिर अपने को पेंट करना है व्हाइट वाला। ठीक है व्हाइट वाला मैं सीलिंग पे लगाता हूँ वैसे, बट एक बार ग्रे कलर ट्राई करूँ, ये ग्रे वाला है क्या, आई एम नॉट श्योर, हाँ ये ग्रे वाला है, रुको ग्रे वाला ट्राई करके देखते हैं कैसा लगेगा आखिर ये ऊपर फ्लोर पे, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई थिंक व्हाइट इज ज्यादा बढ़िया लगता है इस हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर इसको हटा देते हैं जरा वापस, व्हाइट वाला लेके चलते हैं अंदर, ये भी लेके चलता हूँ भाई, खत्म हो जाएगा क्योंकि वो वाला, इसको लेके चलते हैं यहाँ पर एंड इसको रीपेंट करते हैं जरा फटाफट से, जितना हो जाएगा उतना कर देंगे भाई, अपन खत्म होएगा तो मंगा लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वापस भर देंगे यहाँ तक, फिर यहाँ पे आ जाएगा, चलिए इतना सा पेंट लगता है भाई, कोई नहीं चलो भाई कर दिया ये भी, इतना हो गया है यहाँ पर हमारा काम, थोड़ा सा बचा है ये लगा देंगे, इसका तो खत्म ही, अरे बचा है थोड़ा सा, और इसको कर दिया पूरा। ठीक है भाई उसके बाद हमारा बचा वॉशरूम का काम थोड़ा सा, ये भी लगा देते हैं, एंड ये जो बाल्टी है इसको भी अपन पूरा कर देंगे, ये हो गया और ये हो गया भाई। ठीक है गाइस वॉशरूम का काम भी हमारा पूरा डन हो चुका है, अभी इन दोनों बाल्टियों को लेके चलते हैं फिलहाल के लिए, एक बाल्टी तो खाली हो गई कतई, एक सेकंड जो खाली वाली को साइड में फेंकने दो, इसको जरा मैं फेंक कर आता हूँ, ये खाली बाल्टी को मैं क्या ही करूंगा भाई, इसको जरा फेंकते हैं और ये गया सीधा अंदर, लेट्स गो शीश ब्रो। ओके सो एक मिनट रुक जाओ यार, ये वाला ना मैंने कुछ फालतू में मंगा लिया पता है, इनको सेल नहीं कर सकते, सबसे बड़ा जो है लाइक ये मेरे को बेकार चीज लगी भाई, सेल क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने ये रखे हुए सॉकेट, और रुक जाओ आई थिंक वॉशरूम वाले तो मेरे पास हैं अभी, ये वॉशरूम नहीं ये तो फ्लोर वाले है ना, एक सेकंड गाइस ये तो फ्लोर वाले निकले भाई, इसको रखने दो वापस, ये वाला वॉशरूम का है, इसको लगाते हैं पहले तो, ये हो गया इधर, ये हो गया थोड़ा सा भाई, ये भी बचेगा लग रहा है मेरे को अभी, और मेरे को मंगाने पड़ेंगे और भी काफी सारे, एंड मैं सोच रहा हूँ कि ना अपन यही वाला थीम रखते हैं हर एक में, तो रेड वाला काफी प्यारा भी लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है मेरे को तो एकदम, तो देखते हैं। और तो मेरे को कुछ अच्छा लगा नहीं है भाई इसके अंदर, मैंने ट्राई जितने भी किए हैं अभी तक, तो इस वजह से थोड़ा बहुत सिमिलर जो है, थोड़ी बहुत लाइक चीजें जो है ना सिमिलर लग रही है, जैसे कि यहाँ पर रेड कर दिया मैंने तो अंदर भी रेडिश लग रहा है, अब मैं अंदर ब्लू कर दूंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा भाई वो, तो इसी वजह से थोड़ा मैचिंग करवाएंगे इसको भी भाई। चलो तो भाई इसका तो काम हो गया हमारा, एंड एक काम कर लेता हूँ, अरे हाँ रुक जाओ नहीं नहीं अभी काम नहीं हुआ है, अभी फ्लोर का बचा हुआ है भाई, पहले फ्लोर तो कर दो पूरा, ये फ्लोर करना तो बहुत जरूरी है, ये भी ले लेते हैं यहाँ से, इसको भी कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा इधर। सो गाइस थोड़ा बहुत जो काम था वो तो मैंने कर दिया है, अभी ना थोड़े बहुत सामान अपने को मंगाना है यहाँ पर, तो फटाफट से चलते हैं, और एक बार रुक जाओ जरा, इनका तो मैंने ऑटोमेटिक पेमेंट करा हुआ है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी बहुत ज्यादा सैलरी जाने वाली है अभी एक बार में जाएगी पूरी सैलरी। ओके सो मैंने जो एक मिनट रुक जाओ, डिलीवरी इक्विपमेंट्स में मंगाने ना मेरे को, एक मिनट रुक जाओ जरा, नहीं उसमें सॉरी ये जाएगा हमारा डेकोरेशन नहीं बिल्ड पीसेस, और यहाँ पर मैं जरा ऐड कर देता हूँ 10 आई थिंक 10 मंगा लेता हूँ ये, क्योंकि मैं यही वाले लगा रहा हूँ ज़्यादातर रूम्स में तो भी फिलहाल तो। ठीक है एंड देन अपन फ्लोर के लिए जो है ये मंगा लेते हैं 10, ये मंगा लेते हैं, एंड सीलिंग के लिए तो अपन वही यूज़ कर रहे हैं, पेंट यूज़ कर रहा हूँ सीलिंग के लिए, बट अपन वाइट वाला या तो ये वाला टेक्सचर ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है या फिर ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना है सिर्फ मेरे को, और पेंट तो मेरे को वाइट वाला मंगाना है ज़रा, ये पेंट भी मेरे को ट्राई करना है बाकी रूम्स में, लेकिन बाद में करेंगे वो सब। ठीक है बाकी अभी फिलहाल के लिए इतना सामान ऐड कर दिया है, और यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत सेल्फ भी ऐड करना है, पहले तो मैं ज़रा ट्रक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको फास्ट कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं रुक जो हमारे पास वैन बिग बड़ी वाली जो वैन है ना उसके अंदर जितना सामान आ सकता है उतना मंगा लेता हूँ मैं। ठीक है कैश रजिस्टर के लिए भी मैं दो लोग रख सकता हूँ वैसे, बट अभी जरूरत नहीं है, अभी आउटलेट मंगा लेता हूँ, आउटलेट 2 मंगा लेता हूँ, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन हमारे पास आ चुकी है, ट्रैश कैन मैं थोड़ी सी मंगा लेता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर ट्रैश कैन बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से लोग कूड़ा कहीं पर फेंक रहे हैं, थोड़ी बहुत मैं सोच रहा हूँ ट्रैश कैन लगा देते हैं कहीं ना कहीं पर भाई,
तो यहाँ पे देखते हैं ट्रैश कैन $20 की है सारी। ये वाली एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीजें लगाएंगे भाई अपन, ठीक है। थोड़ी सी मैं खरीद लेता हूँ, कितनी ऐड कर दी मैंने, 5 ही हो गई है, ठीक है। तो 2 हमारी मॉडल के पास हो जाएंगे, 2 हमारी शॉप के पास हो जाएंगे, 2 हमारे गैस स्टेशन के पास हो जाएंगी। हाँ ठीक है, 6 मंगा लेता हूँ टोटल में। और हमें यहाँ पे कुछ और तो नहीं चाहिए ना भाई, देख लेते हैं। यप, इसमें तो हो गया हमारा सारा काम। उसके बाद ये भी हो गया डेकोरेशन। अरे हाँ ये, अरे हाँ डेकोरेशन वगैरह लगाते गाइस, फाउंटेन लगाते कहीं ना कहीं। तो अब रुक जाओ, मेरे को ट्रक में ही लगा, रुक जाओ एक काम करता हूँ, फाउंटेन हटाता हूँ फिलहाल के लिए। जितना सामान, जो छोटा मोटा सामान है ना, वो मंगा लेता हूँ, उसके अंदर जितना आ सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद में बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना, वो ट्रक में मंगाएंगे अपन अभी। तो यहाँ पे आई थिंक ये सारे डिस्प्ले वगैरह आ जाएगा क्या इसमें? नहीं, ये तो ट्रक में आएगा। तो ठीक है, इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। बाकी अपन अभी डिस्प्ले वगैरह ऐड करने वाले भाई यहाँ पर। सो ये बड़े वाले ऐड करेंगे अपन। मैंने मीडियम मंगाए थे कि बड़े वाले मंगाए थे लास्ट टाइम, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट ठीक है, फास्ट कर दिया मैंने इसको। डिस्प्ले में चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आई थिंक बड़े वाले मंगाए थे प्रोबेबली मैंने, तो मैं 4 मंगा लेता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद मेरे को जो है यहाँ पे एक चिप्स का स्टैंड चाहिए है, एक ऑलरेडी है शायद। चिप्स का स्टैंड मैंने कल खरीदा था, बट एक मिनट रुक जाओ यार, एक सेकेंड, ज़्यादा सामान नहीं आएगा भाई इसमें भी। ओह माय गॉड। ओके, तो सिगरेट का सेल्फ बिक चाहिए अपने को एक, और बेकरी का ना एक बड़ा वाला काउंटर मंगा रहा हूँ भाई मैं, पर आएगा नहीं, आई नो। रुक जाओ, एक काम करता हूँ ज़रा, पहले ना मैं जितना आ रहा है उतना मंगा लेते हैं भाई, ठीक है। ऑर्डर कर दिया मैंने फिलहाल के लिए, और यहाँ पर जरा डिलीवरी वाला आ चुका है, तो सामान भी रखवा लेते हैं भाई। वैसे अपने आप रख देंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ना रखवाना नहीं, एक्चुअली मेरे को खुद रखना पड़ेगा ये। जल्दी आ जा भाई, जल्दी खोल दरवाज़ा, दूसरा भी आ रहा है क्या? दोनों की डिलीवरी सेम टाइम पर होनी है, जल्दी उतर भाई। ये सबसे ज़्यादा टाइम लगा था उतरने में, ये देखो आराम आराम से उतर रहा भाई। और उसको उतरने ना उतरने से क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? रुक जाओ, सबसे पहले तो एक काम की चीज़ें चाहिए मेरे को भाई। इसको ना काम करता हूँ, एक यहाँ पे लगाता हूँ ज़रा, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। सो दैट यहाँ पे जो भी कूड़ा वूड़ा होगा ना, सब कुछ यहीं पे फेंक देंगे भाई ये लोग। और आई थिंक यहाँ पे गैस स्टेशन के पास तो कूड़ा होता नहीं है वैसे, मोटेल के पास में हाँ यहाँ पे होता है कूड़ा, यहाँ पे एक रख देता हूँ मैं। आई थिंक मैंने ज़्यादा डस्टबिन मंगा दिए प्रोबेबली, ठीक है। रुक जाओ भी ज़रा, मैं इनको ना, और यार सेल्फ मंगाने थे, मैंने सेल्फ ही नहीं मंगाए। अबे डस्टबिन नहीं रख सकता क्या मैं यहाँ पे? रुक जाओ गाइस, एक मिनट रुक जाओ, इनको हटा दूंगा बाद में, टेंशन मत लो भाई। ये देखो यार, ये सारा सामान लेके जा रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ। रुक जाओ, ये सारा साइड में फेंकने दो पहले। अरे ये सब यार, ये सब क्यों लेके जा रहा है अंदर, ये बेवकूफ, ये सब मत लेके जा मेरे भाई प्लीज़, ये सब मेरे को उसमें रखना है यार, गजब है ये भी। रुक जाओ गाइस, ये सारा कुछ मेरे को ना हमारे उस छोटे वाले कार्ट में रखना है भाई। चुप साड़े, निकले यहाँ से, बोलिए बोले फटाफट से, और तू निकल बैठे यहाँ से, यहाँ से प्लीज़ रखियो मत सामान, में पहले बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ गाइस, इन लोगों ने सब कुछ मिक्स विक्स कर दिया लग रहा है, ये तो चलो ठीक है। पेंटिंग का काम सारा मिक्स कर दिया सालों ने। खाली डब्बे क्यों रखे हुए इन लोगों ने यहाँ पे? सेल नहीं, ए भाई ये खाली, एक सेकेंड रुको, खाली बॉक्सेस क्यों रख रहे हैं भाई ये लोग? इनको मैंने बोला हुआ है सेल करने को, तो आधी खाली डब्बे रख रहे हैं, बताओ यहाँ पर गाइस। एक सेकंड रुक जाओ, ये क्यों सेल नहीं हो रहा भाई? अच्छा इसमें पेंट है, सॉरी 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 माय बैड। और कुछ है यहाँ पर? लेट मी चेक, इधर टोपी ओपे रखी है भाई। डोंट टेल मी लोग बाहर का सामान भी लेकर आ रहे हैं भाई, बहुत मार खाने वाले मेरे से अगर ये ऐसा करेंगे तो। ये वाले भी खाली डब्बे लग रहे हैं, रुक जाओ। ओके ये भी सेल कर दिया मैंने। खाली बॉक्सेस क्यों रख रहे हैं मेरे को वो नहीं समझ आ रहा भाई। मैंने लाइक वहाँ पे ऑप्शन तो टिक करा हुआ है कि सेल कर देना, सेल नहीं कर रहे फिर भी। यहाँ पे पेंट तो नहीं रखा ना भाई, देख लेता हूँ, साले इनका कुछ भरोसा नहीं है भाई। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, आई थिंक अभी ऑल गुड है। इन सबको लेके चलते हैं, यहाँ फेंक देता हूँ। ट्रक वाला भी आ गया भाई, रुक जाओ गाइस, मेरे को जरा बड़ी वाली कार्ट लेकर आने। छोटी वाली कार्ट कहाँ चली गई मेरी? इस अभी ना भाई थोड़ा सीन हो गया है, मैं जरा एक बार ना अपने वेयर हाउस वालों को बोल देता हूँ कि प्लीज़ भाई थोड़ा आराम करो अभी, ठीक है। अभी कुछ काम वाम करने की ज़रूरत नहीं इन लोग को। और यहाँ पे मेरे ऑफिस में बहुत सारे कस्टमर्स आ रखे हैं चेकआउट के लिए भी। तेल भी खत्म हो रहा है, जरा तेल भी ऑर्डर कर देते हैं भाई, ठीक है। और जल्दी आ जाओ मैडम जी, थोड़ा बहुत सारा काम बचा है मेरा, पेंडिंग है बहुत सारा काम। और हाँ, इन लोग को जब तक मैं काम करता हूँ, इनको बोल देता हूँ कि ये लोग ना हमारा वो संभाल लेंगे तब तक भाई, क्लीनिंग का और एक हाउसकीपिंग को रख देता हूँ, ठीक है। हाउसकीपिंग का काम कर लेगा तब तक ये। बाकी तेल वेल मैंने ऑर्डर कर दिया है और थोड़ा बहुत सामान बचा है। ये वाली कार्ट मैंने पूरी एकदम फिल कर दी है, मेरे को जरा सेल्फ के वो भी मंगाने थे, बट पहले मैंने जो है हमारे ये मंगाए हुए सुपरमार्केट के सामान, तो पहले सुपरमार्केट का सामान रख देते हैं जरा अपन। तो इनको रखने से पहले एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, एंड एक मिनट रुक जाओ भाई, मैंने थोड़ा सा दिक्कत कर दिया लग रहा है। तो पहली चीज़ इनको जरा थोड़ा साइड करते हैं अपन, ठीक है। 90 डिग्री पर ये आ गया है, एंड ये मेरे को हटाना पड़ेगा वैसे,
सॉरी पेस्ट्रीज है ना इसमें, तो ये ग्लास का स्टैंड हो गया है, इसको हटाना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ना शेल्फ लगाने अपने सारे के सारे, तो सब कुछ अच्छे से जमाना है भाई। इसको अपन थोड़ा सा खिड़की के बगल में रखते हैं, आई होप कि कोई चोरी ना करके चला जाए बस यहाँ से भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाएगा एंड देन, रुक जाओ उधर दरवाज़ा हो गया है ना, रुक जाओ एक काम करता हूँ, सबको ना ज़रा यहाँ से हटाता हूँ मैं इनको फ़िलहाल, एक मिनट रुक जाओ, ज़रा यहाँ साइड में रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाकी का सामान भी जमाना है भाई इधर। इसको अपन यहाँ पर रखेंगे ठीक है, एंड देन मेरे को थोड़ा वो सामान चाहिए रहेगा भाई, तो अपन फटाफट से लेकर आते हैं। आई होप इन लोगों ने कुछ सामान अंदर ना रखा हो बस। ये हमारा सिगरेट का सेल्फ हो चुका है और इसको मैं ज़रा भेज देता हूँ सो दैट मैं और सामान मंगा सकूँ। एक और शेल्फ मैंने मंगाया था यहाँ पे, ठीक है जी। इसको अपन एक सेकंड, दीवार पे लगेगा ये, इसको यहाँ पे लगा देंगे, ये दीवार का शेल्फ है, इसको 0 डिग्री पे करता हूँ, जो ज़रा लेट्स, इसको एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पे लाइक इसके आसपास ही कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा इसको मेरे को, खिड़की पे भी लगेगा ये, ठीक है फिर खिड़की पे लगा देंगे भाई, क्या दिक्कत हो रही है। ओके एक मिनट रुक जाओ ज़रा, यहाँ पे फ्रिज आ रहे हैं हमारे सारे के सारे, ये हमारा न्यूज़पेपर स्टैंड हो गया है, न्यूज़पेपर स्टैंड में वो कुछ इस तरह से लगाना है सेंटर में सो दैट, रुक जाओ एक बगल में भी लगाऊंगा इसके मैं। बाकी अपन टोपियों को कहाँ रखें, टोपियों को अपन यहाँ रख सकते हैं लाइक इसके बगल में, यहाँ पर लगा सकता हूँ इसको मैं, एंड ये छोटे मोटे जो स्टैंड वगैरह ना इनको अपन यहाँ साइड में लगा सकते हैं इनके राइट। और कुछ बचा है छोटा वाला, ये पेस्ट्रीज का हो गया है, इसको अपन यहाँ लगा देते हैं। चलो यहाँ पे सारी पेस्ट्रीज हो जाएंगी, तो सब कुछ यहीं बगल बगल से निकाल लेंगे ना भाई लोग। और ये हो गया हमारा खिलौनों का गिफ्ट शेल्फ, तो इसको अपन ज़रा थोड़ा साइड में रखते हैं अभी। ये हमारा गिफ्ट शेल्फ हो गया यहाँ पर, ये हमारा हो गया कार का सामान, खिलौने यहाँ पर हो गए, न्यूज़पेपर यहाँ पर हो गया, ठीक है थोड़ा सा ठीक ठाक गया अभी। और ये जो है इसको रुक जाओ ज़रा, इसको मैं अभी मूव नहीं कर सकता बिकॉज़ यहाँ पे कैशर असाइन हो रखा है, ठीक है जी। वेयर हाउस का काम कर रहे, ए अच्छा डरा दिया साले ने, मतलब भाई चोरी वोरी करने आएगा ये भी। रुक जाओ गाइस यहाँ पर ना ज़रा मैं कुछ देख लेता हूँ, कुछ सामान वगैरह मिक्स तो नहीं कर दिया ना इन लोगों ने यार, दिक्कत बैठ जाएगी अगर कुछ कर दिया होगा तो। ये देखो एक तो पता नहीं कि खाली डब्बे क्यों ला रहे हो, सेल कर दो इनको भाई। एक बार इसमें भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर टॉयज़ हैं ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, खिड़कियाँ कह रहा हूँ, चेयर बेड वगैरह रखा हुआ है ठीक है भाई। इधर भी आई थिंक ऑल गुड है मे बी, भैया अभी फ़िलहाल तो मेरे को जैसा लग रहा है भाई वैसे ठीक है। एंड मेरे को थोड़ा वेयर हाउस के लिए शेल्फ ऑर्डर करने हैं अभी, और सुपरमार्केट का सामान बहुत है भाई जितना मैंने करा हुआ है ठीक है। डिलीवरी में चलते हैं, इक्विपमेंट डिस्प्लेस में चलते हैं, वेयर हाउस के सेल्स मेरे को ऑर्डर करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 आई थिंक सबसे ऊपर नहीं रख सकते इसमें सामान, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, बट इसमें डबल सामान रख सकते हैं ना बात, वो भी तो है यार। तो मेरे को तो भाई सबसे बेस्ट ये वेयर हाउस सेल्फ यही लगा है ठीक है, मैं यही खरीद रहा हूँ भाई। 3 मेरे को ऑर्डर करना है, 1 2 3, और इसको जरा मैं कर देता हूँ वैन बिग में भी नहीं आएगा, ट्रक में आएंगे भाई सीधा ये लोग, गजब ही सीन है इसका भी। और मेरे को कुछ खरीदना है इसमें, तो मैंने सारी चीज़ें अभी खरीदी हुई है, वेंडिंग मशीन मैंने एक भी नहीं लगा रखी, तो ज़रा वेंडिंग मशीन अपन बाय करते हैं थोड़ी सी, 2 मैं खरीद रहा हूँ ठीक है, वेंडिंग मशीन लगाते हैं। और फाउंटेन, अरे यार फाउंटेन के लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा मतलब ठीक है। बिल्ड पीसेज अपन मंगा लिया जितना भी था, और यहाँ पर तो कुछ नहीं मंगाना, फ्यूल का काम हमारा हो रखा है, डिस्प्ले में भी आई थिंक, हाँ रुक जाओ डिस्प्ले में हमारा ब्रेक, यार ये भी नहीं आ रहा, अरे मैंने कुछ गलत हटा दिया, एक सेकेंड, वेयर हाउस सेल्फ वेंडिंग मशीन हटा दी मैंने, ठीक है भाई पहले ज़रा इसको ऑर्डर कर देता हूँ, ये आ जाएगा सामान हमारा ठीक है। और एक सेकंड भाई तुम देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे लोग आ रहे हैं, और हमारा 3 स्टार हो गया हमारे मोटेल का, लेट्स गो भाई। पैसे कम करने के बाद में थोड़ा सा प्राइस वो तो हुआ है भाई, फर्क तो पड़ा है। एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, यहाँ पे गैस स्टेशन भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, कितने पैसे हो गए यहाँ पे, $1300 हो चुके हैं गाइज, एंड यहाँ पे देखो भाई $800, यहाँ देखो $500, यहाँ देखो भाई $400 है भाई, यहाँ देखो भाई 245, 109, 43, 14, एक बार में इकट्ठे करूँगा मैं, अभी नहीं कर रहा ठीक है, अभी जितने पैसे हैं मेरे पास उनको खर्च कर रहा हूँ पहले, फिर ना नहीं तो ऐसा लगेगा भाई सारा खर्च हो गया, थोड़ा बचा के रखना पड़ता है ना भाई, इसलिए मैंने डस्टबिन इतने सारे लगा रखे, लेकिन साले फिर भी कूड़ा पता नहीं कहीं फेंक रहे, देख रहे हो गाइस कूड़ा देखो कहाँ फेंक के जा रहे हैं भाई लोग, यहाँ पे लगा दो इसको ज़रा, आई होप ये लोग कूड़ा सही जगह पे फेंके भाई प्लीज़ यार, बदतमीजी मत करो ठीक है यार। एक यहाँ लगा दिया है मैंने, एक यहाँ पे भी लगा ही देता हूँ, 2.5 डस्टबिन, इनका कुछ भरोसा, देखो कहाँ फेंक रहे कूड़ा भाई, एकदम अचा रखिए यार। और अभी अपन ने जो, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, रुक जाओ पहले कुछ खा लेता हूँ मंदिर जाके, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं भाई, कंज्यूम कर लेते हैं ज़रा,
हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं ताकि अपन थोड़ा भाग सके। तो गाइस ये अपन अपग्रेड किया था अभी एंड आई थिंक शायद से अब इसकी जरूरत लाइक कोई सीन नहीं होगा इसमें, मे भी जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी अपने को। लाइटें वाइटें एकदम आते रहेंगी हमेशा भाई। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? ओके और ये अपन ने वाला ब्रिज ट्राई नहीं करना। ओ इधर क्या है वो? रुको कुछ तो दिख रहा है भाई वहाँ पर मेरे को, जा भी सकते हो फिर उसमें? अरे साले इसके आ सकते हैं, रुक जाओ भाई अपने आप देखी जाएगी। हाँ कहाँ लेके जा रहा है भाई? साला लेके नहीं जा रहा कहीं पे भी। अच्छा घास फूस उगी हुई है यहाँ पर, ओके ठीक है। ओके 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 गाइज एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ हाउस कीपिंग का काम इन लोगों ने करा है कि नहीं, रूम सारे तैयार हैं कि नहीं। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, मतलब साफ़ करने के लिए दिया हुआ है वहाँ पे इसने, अभी रखा नहीं है, अभी लगा के रख देगा ये। एक मिनट रुको, मैनेजमेंट में स्टाफ में हाउस कीपिंग का दे रखा है। पैसे तो चार्ज कर रहा है ये, काम नहीं कर रहा है क्या हाउस कीपिंग वाला? आई थिंक रख दिया है इसने अभी सामान। एक सेकंड गाइस, अभी भी नहीं रखा इसने तो, साला मिसिंग दिखा रहा है अभी भी ये सारा सामान। ओके एक मिनट रुक जाओ गाइस, अपग्रेड्स अपन ने सब कुछ कर दिया है, ये सब अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। वैसे बाकी कार डीलर भी मेरे को नेक्स्ट एपिसोड में खरीदनी है, इसमें भी देखते हैं कुछ बढ़िया सा एडवर्टीजमेंट आ रखा है क्या जिससे मेरी अर्निंग हो अच्छी खासी। एक ये लगा देते हैं, एक ये भी लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई अपने को। क्या भाई अपने को पैसा मिलेगा अभी इससे? रुक जाओ गाइस अभी सब कुछ एक बार में इकट्ठे करेंगे सारे पैसा वैसा भाई। ये सब कुछ अपन ज़रा लगा देते अच्छे से यहाँ पर इसके बगल में भाई, ठीक है। एंड देन यहाँ से उठाते हैं मोबाइल वाला है, ये सब कुछ यहाँ पर लगा देंगे अपन, ठीक है गाइस। और तो अपने दो ही लिए हैं अभी, एक बार देखने दो कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया आखिर इससे मेरा, ठीक है। तो जरा चलते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट में और देखो गाइस 257 डॉलर। एक सेकेंड, ओवरलैपिंग अदर एड, तो अच्छा मतलब मैं एक साथ में नहीं रख सकता इन सबको, अलग अलग जगह पे लगानी पड़ेगी मेरे को। ऑल राइट मेरे को, या तो फिर ऐसा लग रहा है शायद से चिपका रखा है इस वजह से ऐसा बोल रहा है ये। रुक जाओ अभी देख लेते हैं भाई, आई होप अभी ओवरलैप का नहीं दिखाया ये। भाई मज़ा आ जाएगा लेकिन भाई एडवर्टीजमेंट, एंड अभी भी ओवरलैपिंग का दिखा रहा है, मतलब मेरे को कहीं और ही रखना पड़ेगा ये एडवर्टीजमेंट अलग अलग जगह। अपन ये पोल वगैरह पे लगा देते हैं, जो लाइटिंग वाले पोल है ना, रुक जगह जिनको यहाँ पे चिपका देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा भाई। इसको उठाते हैं और यहाँ पर प्राइस दिखा रखा है और यहाँ पर एक टांग देता हूँ। ओके गाइस डन है सीन, अभी देख लेते हैं भाई इसका क्या सीन है। एक बार रुक जाओ जरा देख लेता हूँ, कुछ और पंगा तो नहीं हो रखा ना यहाँ पे घरों के अंदर। यहाँ पे भाई बहुत सीन हो जाता है, डेड बॉडीज मिलती है भाई मेरे को यहाँ पे, पता नहीं कौन ठोक के चला जाता है इन लोगों को। एक सेकंड जरा अंदर चलते हैं और एक मिनट जरा यहाँ पे देख लेते हैं, अभी भी ओवरलैपिंग क्यों दिखा रहा है भाई? ओवरलैप क्यों दिखा रहा है अभी? अब किस बात का ओवरलैपिंग हो रहा है ये? फोन वाला तो काम कर रहा है, एक सेकंड, अच्छा ये वाला काम कर रहा था। रुक जा भाई, ये वाला ओवरलैप का दिखा रहा है इसको यहाँ पे, पता नहीं इसमें कुछ एरर दिखा देगा भाई, इससे अच्छा मैं कहीं और लगा देता हूँ इसको। चलो दिक्कतें इतनी है इसको यहाँ लगाते हैं। चलो भाई ठीक है अभी देख लेते हैं और काम हुआ है कि नहीं। एडवर्टीजमेंट एंड यप इट्स गुड, इट्स ऑल गुड नाउ। तो इनसे तो मेरा कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉफिट है नहीं, तो जो रहने देता हूँ। बाकी तो यहाँ देखो गाइस बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मैंने लगा दिए जिससे मेरी अर्निंग भी होती रहेगी यहाँ पर आराम से अभी, ठीक है। और अभी मेरा बहुत सारा सामान, एक मिनट रुक जाओ, मैनेजमेंट स्टाफ इसको हटा देता हूँ जरा फिलहाल के लिए, मैं इसको बोलता हूँ वेयरहाउस से सामान निकाले। और नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मेरे बहुत सारा आइटम मंगाया हुआ है, मेरे को सारा कुछ रखना है बिकॉज अभी। रुक जाओ गाइस जरा, ट्रक वाले को क्या हो गया भाई? ये लगाना जल्दी जो लगा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, जल्दी कर जो कर रहा है भाई जल्दी। अबे उतरता भी नहीं है ना भाई एक तो ये, एक मिनट रुक जाओ गाइस जरा मैं यहाँ से जाकर आता हूँ। वो वाला घर भी संभालना है भाई, उस वाले रूम को अपन सेटअप कर रहे थे, मैं तो भूल गया भाई, इसीलिए भाई दिक्कत है भाई, एक टास्क पे फोकस करना पड़ता है इसमें बस। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मैं निकाल के ले आया हूँ और इन सबको अपन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सीधा कर देता हूँ उनको मैं ताकि अपन ज़्यादा सामान रख सके। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा एंड एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी वेंडिंग मशीन्स, इनको भी अपन रखेंगे और इसमें भी सामान भर के रखना पड़ेगा अपने को। तो ये तो हमारी शॉप हो गई, शॉप के बाहर रखें या फिर अंदर रखें? आई थिंक बाहर भी काम करेगा ये, राइट? डायरेक्टली पैसे मिलेंगे ना बाहर से तो अपने को वैसे भी, या फिर इसको यहाँ यहाँ लगा देते हैं चलो, क्योंकि पीछे से ना वो अजीब सा दिख रहा है वहाँ पर वैसे। ये रोटेशन का क्या हो रखा है भाई? एक सेकेंड, ये रोटेशन थोड़ी सी स्लो हो रही है, 90 डिग्री पर रखना है मेरे को ये। एक यहाँ आ जाएगी एंड एक वेंडिंग मशीन अपन यहाँ पर रख देंगे, ठीक है गाइस। हो गया डन है सीन इसका, या फिर इसको हटा के अंदर रख देता हूँ या तो मैं, एक बाहर बहुत है क्योंकि इसको अपन यहाँ लगा सकते हैं अंदर की तरफ। एक सॉकेट खाली भी नहीं, नहीं यहाँ नहीं यार, जगह नहीं बचेगी फिर। ओहो कहाँ लगाऊँ? यहाँ लगा देते हैं चलो, ठीक है। इसको यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, 180 कर देता हूँ इसको मैं, यहाँ आ जाएगी। एंड मेरे को दो सॉकेट चाहिए अभी ज़रा, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, इसका काम हो गया हमारा। चलो भाई निकलो अभी तुम,
तुम्हारा काम हो गया, मेरे पास $6,350 बचे हुए हैं, पहले इस रूम का काम कर लेता हूँ भाई, उसके बाद सॉकेट वगैरह सब कुछ लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। पहले इस रूम का काम हो जाए भाई मेरा, जरा मेरा रेड वाला पेंट चाहिए था मेरे को, मैंने रेड वाला पेंट मंगाया था ना भाई, एक सेकेंड गाइज, मैंने रेड वाला पेंट ऑर्डर नहीं करा, सीरियसली डैम ब्रो, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, एक सेकेंड रुक जाओ गाइज, थोड़ा सीन हो गया है भाई, थोड़ा नहीं ज़्यादा गलत सीन हो गया है यहाँ पे। मैंने सब कुछ मंगा लिया और रेड वाला जो वॉलपेपर था ना वो मैंने वही ऑर्डर नहीं करा भाई, एक सेकेंड ज़रा, रूम्स दो खाली हैं, इसको ओपन कर देता हूँ तब तक मैं, एंड डिलीवरी डेकोरेशन बिल्ड पीसेस फ्लोर सॉरी वॉल्स, ये वाला तो मैं मंगाना ही भूल गया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई अभी मंगा लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को इसके लिए एक नहीं अभी रहने देता हूँ, अभी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, इसके लिए मेरे को बेकरी काउंटर बिग चाहिए, इसको ट्रक में डाल देते हैं भाई, और इसको जरा मैं फास्ट कर देता हूँ, फास्ट इक्विपमेंट्स डिस्प्लेज में एक हो गया है बेकरी काउंटर, दूसरा हो गया एक और न्यूज़पेपर स्टैंड, एक ग्लासेस स्टैंड हो गया, एक हेड स्टैंड हो गया है, और कुछ मंगाना है मेरे को यहाँ पर नहीं मंगाना है, तो एक काम करता हूँ एक गिफ्ट सेल को और ऐड कर देता हूँ, कार एक वुड रैक जो है ना, वुड रैक में मेरे को पता नहीं ऐसे क्या सामान आएगा, बट आई थिंक मैं चिप्स का स्टैंड मैंने मंगाया तो इतने बार, लेकिन चिप्स का स्टैंड मेरे को दिखा नहीं भाई एक बार भी, ऐसा क्यों, रुको भाई पहले सारा सामान ऑर्डर कर लेते हैं जरा अपन, और एक सेकंड रुको जरा गाइस, आई थिंक वो सामान तो आ जाएगा, लेकिन अब रुक जाओ पहले मेरे को जरा सॉकेट लगा दो इनका ना, अब इनका भी अलग सीन है भाई, इसको निकाल के लेके चलते हैं जरा, और एक एक निकाल के इनको रख देंगे यहाँ पर। अबे ये तो खाली डब्बा है व्हाट, अबे भाई एक सेकंड गाइस, स्कैम भाई स्कैम, खाली डब्बा क्यों है यार, सॉकेट के डब्बे मंगाए तो थे मैंने भाई, फुल टू फुल स्कैम चल रहा है यार, सॉकेट का डब्बा कहाँ रख दिया इन लोगों ने यार, मैंने मंगाया तो था, इसमें भी नहीं है, टॉवल रखे हैं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ रख दिया गाइस, सॉकेट का डब्बा पता नहीं कहाँ रख दिया भाई, ये बड़ा वाला लगाना पड़ेगा अभी मेरे को, चलो उसके लिए भी एडिशनल खर्चा बैठेगा, ओहो नाइस, एक काम करता हूँ यहाँ रख देता हूँ ठीक है, इसके केबल निकालता हूँ, यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, इसके केबल निकालता हूँ, यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है, दोनों को बराबर हो जाएगा एक बार में काम डन भाई, चलो गाइस इसको रख देते हैं यहाँ पर, एंड इसको भी साथ में रहने देता हूँ, रुक जरूर थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसको मैं ना, इसको अरे बंद करना है इसको, ट्रक आ गया गाइस आई थिंक, कहाँ रह गया, ट्रक नहीं आया अभी तक, आ गया ट्रक आ गया, रुक जाओ मेरे को भाई इसमें से जो काम की चीज़ें, रुक जाओ पहले इसको साइड रखने दो, इसको भी साइड में रखने दो, रखना भाई, और मेरे को जो काम की चीज़ें चाहिए भाई वो ये है हमारी, पेंट चाहिए था भाई, पेंट ही मैंने नहीं मंगाया बताओ भाई हद, मतलब ये हो गया है थोड़ा सा सामान, ये हो गया भाई, अभी फाइनली हमारा जो है दूसरा रूम भी डन हो जाएगा भाई, सबसे ज़्यादा टाइम ना रूम को फिनिश करने में लगता है, बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है उसके अंदर यार, इसको फिनिश करते हैं अपन यहाँ पे, एंड ज़रा रुक जाओ ये शॉप का सामान रख कर आता हूँ शॉप में मैं, ये वाली टोपी मैंने इधर रख दी है, और फिलहाल के लिए इस वाले ग्लास स्टैंड को भी मैंने ज़रा साइड में लगा देता हूँ ठीक है, इसको यहाँ पे इसके साथ में रख देता हूँ या तो मैं, इसके बाद हमारे पास एक और टॉयज़ का ये आ गया है शेल्फ, इसको रख देता हूँ इधर, ये हो गए हमारी बेकरी का काम भाई, इस बेकरी का काम को अपन लगाएंगे आई थिंक पीछे से ओपन होएगी राइट, ये इसका भी ड्रामेबाजी है मतलब है, इसको ऐसे रखना पड़ेगा मतलब मेरे को कहीं पे, यहाँ पे सही रहेगा ये, आई होप कस्टमर्स, मेरे को लग रहा है कस्टमर्स अटकेंगे भाई, अटक रहे रुक जाओ गाइस एक सेकंड देना ज़रा, कस्टमर्स अटक रहे भाई यहाँ पे तो इसको कैसे रखूँगा भाई मैं, चलो फिलहाल रुक जाओ ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सामान आई थिंक या तो पीछे रखूँगा आगे से कैसे निकालेंगे सामान, वो ये भी सीन है भाई इसका तो, एक सेकेंड क्या ठीक है भाई जो भी है, यहाँ पे मैंने भाई लाइटें भी नहीं लगाई है तो अपन सबसे पहले ज़रा लाइट लगा देते हैं, अंधेरा बहुत हो रहा है इस वाले कमरे में, और एक मिनट रुक जाओ ज़रा एक और लाइट लगा देते हैं, वॉशरूम में जाएगी यहाँ पर, इसको कर देते हैं ऑन, उसके बाद अपन ये लेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे पूरा पेंट ठीक है गाइस, इधर का काम हो गया है अभी, एंड यप इसको रख देते हैं वापस इसके जगह पर, यहाँ पे मेरे को सॉकेट का एक डब्बा चाहिए अभी फिलहाल तो रुक जाओ, और बाकी जरा चीज़ें लगाते हैं, हीटर लगा देते हैं यहाँ पर, एंड देन अपने को चाहिए भाई बेड वेड बाद में देखेंगे, पहले वॉशरूम का काम करते हैं, ये आ जाएगा इधर, सिंक आएगा यहाँ पर, ये रूम नंबर 7 है ना, मतलब सिंगल बेड वाला बनेगा ये ठीक है, इसको लॉक कर देता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ,
और दरवाजे में इसको ऐड कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, ओपन कर देता हूँ। बाकी अभी टॉयलेट का एक मिनट रुक जाओ जरा, होल्डर जो, हाँ टॉयलेट पहले लगाते हैं, रुक जाओ ये आ जाएगा, फिर अपन होल्डर लगा देंगे यहाँ पर। आई होप ये सीधा लगा रखा है मैंने, आई होप सो। इसके बाद अपने को टॉयलेट पेपर होल्डर लगाना है यहाँ पर, एंड टॉयलेट पेपर खत्म हो चुके हैं, मेरे को मंगाने पड़ेंगे, और टावल टावल बचे हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ठीक है, इसका काम हो गया है। और मेरे को अभी जो है यहाँ पे कारपेट नहीं कर्टेन चाहिए है, शावर कर्टेन, जो कि यहाँ आ जाएंगे। एक सेकंड रुको गाइस, मेरे को मूव करके यहाँ से यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को मिरर चाहिए है, जो कि आ जाएगा यहाँ पर खिड़की के पास में, इसको भी लॉक कर देते हैं। वॉशरूम का काम हमारा हो चुका है गाइस, एंड अभी मेरे पास जो कर्टेन बचे हुए हैं, ये कर्टेन आएंगे इस वाली खिड़की के पास में। एक ही कर्टेन लगेगा यहाँ, ओ ज्यादा लगेंगे यहाँ पे, तो मैंने तो भाई बहुत कम मंगाया है, ये वाला मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाने के लिए लगाए तो यहाँ पे खिड़की होगी, मेरे को पता नहीं था। ओके सो अभी भाई अपन यहाँ पे बेड लगाने वाले, जो कि हमारा बेड है ना, इस बार मैं कहाँ लगाऊंगा, रुक जाओ, इस बार इस साइड में लगाएंगे अपन, वैसे हर बार यहीं लगाते हैं तो इसको यार लग नहीं रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, एंड देन अपने को चाहिए भाई इसका ड्रॉवर, जो कि आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन अपने को चाहिए भाई एक रूम लैम्प, जो कि मैंने इसके ऊपर रख जाए, एक सेकेंड, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं अपन ब्रो, व्हाट, नहीं ये काफी ही ज्यादा वो जाएगा, ये काफी ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, इसको कोने में रख दूं क्या वहां पे, कोने में सही लग रहा है, बट कोने में मेरे को ड्रॉवर रखना है यार, ड्रॉवर नहीं क्लोजेट रखना है, सॉरी क्लोजेट आएगा यहाँ पर, एंड इसको अच्छे से, यार ये अच्छे से कोने में लगता भी तो नहीं है ना, थिंक अब लग जाएगा, ओके अभी लग गया, ठीक है। उसके बाद ये लैम्प उठाते हैं, इस लैम्प को मैं इसके कोने में लगा देता हूँ, ठीक है, एंड अभी मैं क्या करने वाला, रुक जाओ, अभी अपने को डेस्क लगानी है, ये डेस्क कहीं और लगेगी, ऐसे रहेगी वाले डेस्क, ठीक है, और मेरे को जरा एक मिनट, वो टेबल, मैंने टीवी टेबल मंगा रखा है ना, इस टीवी टेबल को अपन यहाँ पर रखेंगे, फिर अपन ने टीवी मंगाया मैंने इसमें, एक सेकंड भाई, इलेक्ट्रिक में टीवी है, ठीक है गाइस, तो टीवी आएगा हमारा यहाँ पर, एंड देन इलेक्ट्रिक में चलते हैं, हमारा एसी आएगा यहाँ पर, जो कि मैं हर बार ऊपर लगाता हूँ, फिर आएगा हमारा फ्रीजर, जो कि इसके बगल में आ जाएगा, फिर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक में, ये है एयर कंडीशनर, ये भाई इसका पता नहीं क्या सीन है भाई, इसको मैं कहीं पे भी लगा दूं साले काम नहीं करता कभी भी, मैं पीछे भी लगा के देख लिया, मैंने ट्राई करके देख लिया है, पर पता नहीं क्या सीन है। कस्टमर एट ऑफिस, अरे भाई साहब 5 लोग आए हुए हैं, आई एम नॉट श्योर ये काम करेगा कि नहीं, मैंने एक से रुक लो, गलत जगह पर लगा दिया क्या उसको, खिड़की ये वाली है, खिड़की वो वाली है, ठीक है सही जगह पर लगाया है, आई एम नॉट श्योर ये काम क्यों नहीं करता है भाई, इसमें तो वैसे सॉकेट वगैरह भी नहीं दिया होता, इसको ओपन करते हैं फटाफट से, और एक मिनट रुक जाओ जरा, आ रहा हूँ रुक जाओ गाइस, एक मिनट रुक जाओ भाई, बड़ा सीन है यार, अरे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक कमरा चाहिए इनको, दो तीसरा ले भाई तू, ये पकड़ो मैडम जी, टेक दिस रूम, और 2-6 वाला बचा हुआ है, मतलब डबल बेड वाले बचे हुए हैं, जल्दी आओ मैडम जी, टाइम ना है मेरे पास, मैं बाकी काम भी कर रहा हूँ यार यहाँ पे, नो रूम अवेलेबल, सॉरी, एक काम कर दो ना, अरे यार ये वाला रूम फिनिश कर दूंगा जितना जल्दी, तो फिर ये वाला अवेलेबल हो जाएगा ना सारी चीजों के लिए, एक मिनट रुक जाओ जरा, यहाँ से सॉकेट निकालने दो भाई, इसके लिए तो मेरे को सिंगल वाला सॉकेट चाहिए रहेगा यार यहाँ पे, ठीक है लगा दिया भाई फिलहाल के लिए इसको मैंने, इसमें लगा देते हैं, टीवी को यहाँ लगा देंगे, लॉक कर देंगे सारी चीजों को अपन, ताकि निकले ना यहाँ से भाई, ऑलराइट एंड ठीक है चलो, अभी सब कुछ लॉक हो गया है यहाँ पर, इसको अपन जरा हटाते हैं, ये खाली डब्बा पड़ा हुआ है, इसको सेल कर देता हूँ, एंड मैंने जो चेयर मंगाई थी, चेयर कहाँ है भाई, चेयर सीट, यप ये सीट जरा यहाँ पे रख देते हैं अपन इसको, या फिर एक काम करता हूँ, रुक जाऊँ इसको पिक करके ना यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ तो, ठीक है यहाँ पर आ जाएगी ये, और लाइक उधर खाली खाली लगेगा वैसे, बट ठीक है। उसके बाद कुछ है क्या, कारपेट हो गई एक हमारे पास, जो कि कारपेट में को नीचे लगानी है इसके, अरे भाई कारपेट क्यों नहीं लग रही है, ओके एक लग गई है, इसको साइड कर देता हूँ, सीट टेबल डेस्क कारपेट, ये कारपेट आ जाएगी इसके नीचे, आ जाना भाई, चलो ये हो गई है, देन अपने को चाहिए रग लगाने भाई, जो कि लगेंगे वॉशरूम के बाहर, फिर एक रग लगाऊंगा मैं, एक सेकंड, रग लगाना है भाई, रग आएगा यहाँ पे, ठीक है बाहर लगाऊंगा इसको भी, चलो गाइस इधर का डन है, अभी चेयर उठाते हैं, चेयर रख देते हैं इसकी जगह पे वापस, ऑलराइट, और कुछ चाहिए अपने को, होल्डर, बुक, एक्सेसरीज में क्लॉक आएगी, क्लॉक हमारी जो है यहाँ पे लगा सकता हूँ, या तो उसको मैं घड़ी को, उस साइड एकदम खाली पड़ा हुआ है लेकिन यार ये टेबल, रूम लैंप, कर्टेन, एक्सेसरीज, या फिर एक काम कर सकता हूँ उस घड़ी को मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है जिससे खाली ना लगे भाई, बट काफ़ी सही लग रहा है भाई इधर सारा पूरा सेट करने के बाद भी ना, तो मैंने सारा सामान लगा दिया गाइस अभी, ठीक है जितना भी था, और बेडशीट वगैरह नहीं लगाए ना, लेकिन रुको ये ले भाई, फेंक दी बेडशीट, ये ले भाई, और ये ले पिल्लो, ठीक है अभी सही लग रहा है ना भाई ये। उसके बाद बाथ टब, टॉयलेट पेपर, भाई सब सब काम कर दिया मैंने गाइस, इस वाला रूम भी हमारा डन है, सारी चीज़ें डन है इसकी, ये सब कुछ मैं रीसेट करवा दूंगा वहाँ पर, रुक जाऊँ एक मिनट, जरा मैं चेक कर लेता हूँ रूम डन है कि नहीं, तो रूम 7 नॉट रेडी को दिखा रहा है भाई, क्या बचा है, टॉयलेट पेपर बचा है यार, टॉयलेट पेपर मंगाना पड़ेगा लेकिन मेरे को, एक सेकंड गाइस, डिलीवरी इक्विपमेंट्स, टॉयलेट पेपर,
मंगा के रख देता हूँ भाई पहले से, ठीक है थोड़े बहुत रख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पांच पांच मंगा लेते हैं ये वो, एंड इसको मैं वैन में मंगा लेता हूँ अपनी, ऑर्डर कर देते हैं भाई, आ जाएगा सामान। और जो मैनेजमेंट वाले हैं, जरा एक मिनट रुको, रेस्टिंग पे है ना, इनको वेयर हाउस में डाल देता हूँ सबको मैं, दो लोग वेयर हाउस का काम कर लेंगे इधर। एक मिनट रुक जाओ मैडम जी, अभी ना ऐसे रूम खाली नहीं है, और भाई कितने सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे गाइस, एक सेकंड रुको जरा, ये लोग काम कर रहे हैं अच्छा खासा, देख लेते हैं। देखो गाइस हमारी शॉप भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, यहाँ देखो भाई 2400 हो चुके हैं, यहाँ पर $1200 हो चुके हैं, यहाँ पर 753, अच्छा मैं बोलो 7000 हो गए भाई। ओके एवरीथिंग इज़ गुड, काफ़ी बढ़िया चल रहा है हमारा भी शॉप, ठीक है, और हमारा मॉडल भी काफ़ी एक नंबर का चल रहा है गाइस। हाँ जी सर जी बताइए आपको, अच्छा आपका काम हो गया है यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैनेजमेंट में स्टाफ में चलते हैं, इनको क्लीनिंग और एक को हाउसकीपिंग का काम दे देते हैं। रुक जाओ भाई जरा मैं आ रहा हूँ ना, यहाँ पे सामान थोड़ा सा आ गया है टॉयलेट पेपर का, उसके बाद हमारा रूम तैयार हो जाएगा, जल्दी निकल बैठे बाहर, ड्राइवर बाहर आ जाए फटाफट से एकदम। रुक जाओ गाइस थोड़ा बहुत सामान मैं ही रख देता हूँ खुद, बिकॉज मेरे को काम करना है भाई, वहाँ पे सामान रखना है। और किसी ने बोला था हमारे मोटेल के ऊपर ना पैसे पड़े हुए $1000 कुछ, पैसे हैं क्या ये, एक मिनट रुक जाओ जरा चेक करते हैं अभी भाई, अभी पता लग जाएगा। सो या मेरे को इसमें टॉयलेट पेपर लगाना है पहले, तो टॉयलेट पेपर ये लगा दिया यहाँ पर, ठीक है भाई ये वाला रूम अभी डन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और देख लो गेम भी भाई लैग करने लग गया है, जैसे जैसे रूम नए नए अनलॉक हो रहे हैं भाई गेम लैग करने लग रहे हैं। तो रूम तैयार है गाइस अभी हमारा, एंड रूम 7 की इसको चाबी दे देता हूँ जरा मैं, इसको टांग देते हैं। हाँ जी सर जी ये ले जाओ तुम, $463 इससे मिल रहा है, वैसे इसका प्रॉफिट कितना है इस वाले रूम से मेरे को अभी, 157 इससे, 154 इससे, ओके ठीक है। हाँ जी सर जी बताइए, एक कमरा खाली नहीं है अब तो भाई, सारे के सारे जो है डबल रूम खाली है, नहीं अरे फिफ्थ रूम भी तो खाली है ना, आई थिंक फिफ्थ रूम नहीं अभी तो रेडी नहीं है भाई वाला कमरा, सॉरी मैडम जी अभी कोई कमरा खाली नहीं है, एंड दो बढ़िया रूम खाली है फिलहाल, मैं रुक जाओ इसको बंद कर रहा हूँ गाइस, रुक जाओ अभी भाई संभालना है मेरे को, बाकी सारी चीज़ें संभालनी है, तो पहले मैं जरा उसको रीसेट करके आता हूँ वहाँ पे जाके। डिलीवरी हो चुकी है सामानों की, अरे जल्दी चल लेना, अरे क्या कर रहा है, ये हो गया काम, इसको रीसेट कर देता हूँ। और देखो भाई रीसेट करके थोड़ा सा गेम जो है लैग हुआ अभी, ऑल राइट यहाँ पे भाई देख रहे हो कितना कुछ किया आज अपन ने भाई, और मेरा मीटर हो रखा है एकदम डाउन, एनर्जी पूरी डाउन है, मैं इतने दिन से सोया नहीं भाई, काम करे जा रहा हूँ एक मिनट कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पर, कंज्यूम कर लेते हैं भाई, ठीक है वापस तैयार है अभी। अब ना गाइस देखो अपन ने जितने अपग्रेड्स करने थे आज के एपिसोड में मैंने सारा कर दिया, ठीक है अब इसको फुल मैक्स अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे वैसे भी। तो अभी जितना पैसा अपना इकट्ठा हुआ है ना यहाँ पे वो पहले देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को यार सामान रखना पड़ेगा, इसमें वैसे कुछ सामान रखा नहीं है, इसको लोड करना पड़ेगा तभी हमारी वेंडिंग मशीन काम करेगी, ऐसे नहीं चलने वाली, ठीक है भर दूंगा वो भी मैं। 2400 मैंने यहाँ से निकाल लिया, 1300 यहाँ से निकाल लिया, 767, 524, ये लोग जल्दी बाहर निकल जाओ, 93, $20, जल्दी बाहर निकल जाओ भाई, कितनी बातचीत करोगे। और यहाँ पे एक सेकंड रुको, ये बस स्टैंड पे लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्या बस के आने का, आते वेटिंग फॉर द बस और व्हाट, एक सेकंड रुक जाओ, अरे हाँ रुक जाओ अरे लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं भाई, और ये देखो गाइस बस से कितने सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ जरा अपना, जब तक जितना हमारा एड रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना वो भी निकाल लेते हैं यहाँ पे जरा, एडवर्टीजमेंट और 193, 396, 349, $90, $88, पैसे पैसा, और मैं धीरे धीरे करके और एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लगा सकता हूँ भाई, लगा देते हैं फिर रेवेन्यू जी। देखो भाई कॉस्ट इतने ज्यादा रेवेन्यू इतना कम है, रेवेन्यू जिसका ज्यादा होगा मैं वो लगाऊंगा, ये वाला लगाते हैं भाई, जिलेट का है ये तो जिलेट का एडवर्टीजमेंट है, रुक जाओ उसको लगा कर आते हैं, ये वाला अपन कहाँ चिपका है, लेकिन इसको भी अपन ने काम करते हैं उधर दूसरे वाले पे चिपका देता हूँ, लाइट वाले पे ले भाई, ये बच्चे की फोटो लगा रखी है उसमें, ठीक है भाई ऑल राइट ये लगा दिया गाइस, इसका भी रेडी है, सब कुछ तैयार है, अभी मस्त पैसा पैसा होगा यहाँ पे हमारे लिए। और तुम देख सकते हो मेरे पास अभी 11000 12000 ही मान के चलो तुम लोग, ठीक है 12000 हो गए, ये ले भाई $12000 हो चुके गाइस हमारे पास अभी। एंड नेक्स्ट एपिसोड में भाई अपन हमारे इस मॉडल को जो है पूरा एकदम मैक्स अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है मजा आएगा। बाकी चलो गाइस यार ये वाला एपिसोड कैसा लगा तुम लोग को लेट मी नो इन द कमेंट्स, भाई इस वाले एपिसोड के लिए जितना पैसा मैंने अर्न किया ना उसमें बड़ी मेहनत लगी है, ठीक है तो भाई प्लीज इस वाले एपिसोड का मैं लाइक एम रखता हूँ, 500 लाइक से तो फटाफट से पूरा करा देना, ठीक है भाई गाइस यार आज के एपिसोड को इतना रखते हैं, आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता नहीं चला बटन दबा देना, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, मिलते हैं इस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।